टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कंप्यूटर टीचर की एक नई अपडेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस से जुड़ी वीडियोज़ और आपके एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहती है। और यूट्यूब से पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारा कंप्यूटर साइंस का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए जो अपडेट है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पात्रता का दायरा सीमित। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की प्रस्तावित गाइडलाइन में बीएससी कंप्यूटर बीटेक व बीसीए डिग्रीधारियों को ही शामिल करने का जिक्र है। अन्य डिग्री व डिप्लोमाधारी इसमें शामिल नहीं है। इनकी संख्या 1 लाख से अधिक है। पिछले दिनों कंप्यूटर शिक्षकों के 14,601 पदों के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इसमें बीएससी कंप्यूटर बीसी और बीटेक की योग्यता शामिल है, जबकि कई अभ्यर्थियों के पास एमएससी कंप्यूटर साइंस पीजीटी सीए एमसीए ओ लेवल और ए लेवल की डिग्री या डिप्लोमा है। ये भी कंप्यूटर शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पात्रता में शामिल न होने की वजह से ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हायर डिग्री है, जो आपकी एमएससी है, जो पीजीटीसी और जो एमसीए ओ लेवल ए लेवल है, वो एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों अब ये कुछ लोगों के लिए तो खुशखबरी है और कुछ लोगों के लिए दुख की बात है, क्योंकि अब एक तरीके से जिन्होंने बीसी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक सीएस कर रखा है तो उनके लिए एक तरीके से कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया है। तो दोस्तों आप अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई नई अपडेट आएगी इस चीज़ के बारे में तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए इस चीज़ की, क्योंकि अब आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।